हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो राजस्थान को एंड दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान के अंदर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ आई है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है RPSC ने आज और एक साथ चार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें राजस्थान पुलिस की SI वैकेंसी एंड जो IT इंस्ट्रक्टर सहित दो अन्य पदों पे वैकेंसी निकाली। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, जो हम RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाते हैं एंड उसके बाद जो रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं। जो सबसे पहले वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की, ये 2016 वाली वैकेंसी जिसको परिवर्तन करके उसमें जो पदों की संख्या को बढ़ाया गया है, जो इसके लिए वापस से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड उसके बाद वैकेंसी है असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप की एडवाइज़र ग्रेड सेकंड की, तो ये ITI से रिलेटेड वैकेंसी है। एंड जो वाइस प्रिंसिपल है सुप्रिटेंडेंट ITI की ये वैकेंसी निकली है, जो प्रिंसिपल होता है ITI के अंदर। एंड जो नेक्स्ट वैकेंसी है ग्रुप इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज सर्वाइवर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र ग्रेड सेकंड के लिए 2018 की ये वैकेंसी निकली, एक साथ चार वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो RPSC के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसका जो नोटिफिकेशन है देख लेते हैं क्या उसके अंदर डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स, जो लिंक होगी आपको हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ है आज का। तो इसमें जो SI की पोस्ट है AP के, उसके अंदर 147 पोस्ट है। एंड जो उपनिरीक्षक IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के 65 पद हैं। एंड जो प्लाटून कार कमांडर है RCA के 114 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके। एंड जो SI के लिए MBC में चार पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, तो इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी 21 नवंबर 2016 से बढ़ाकर इसे अब 24 मई 2018 तक रात्रि 12 बजे तक की जाती है। तो आप इसके लिए 24 मई 2018 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिसके आवेदन में संशोधन, तो अगर आपने जो पिछली बार फॉर्म भरा था अगर आपके कोई मिस्टेक है तो भी आप संशोधन के जरिए इसे सही करवा सकते हैं, जिसकी डेट है 25। अगर आप फॉर्म भरते हो और कोई गलती हो जाती है तो आप इसके लिए संशोधन करवा सकते हो 25 मई 2018 से 31 मई 2018 तक। एंड जो इसका सिलेबस है जो आपको RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। एंड जो आपको अप्लाई करना है वो SSID के थ्रू अप्लाई कर सकता है। एंड इसी के साथ देखते हैं फ्रेंड्स, जो सेकंड वैकेंसी है ITI इंस्ट्रक्टर की, तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। एंड जो SI में जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन रहेगी एंड साथ ही में कंप्यूटर नॉलेज, तो ये SI के लिए क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल्स हम और आपको बता देंगे। एंड जो प्रिंसिपल सुप्रिटेंडेंट है ITI के अंदर, तो इसके जो वैकेंसी है तो उसके बारे में देखते हैं हम। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास लिंक डाउनलोड हो जाएगी प्रिंसिपल सुप्रिटेंडेंट ITI की, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसकी जो ये वैकेंसी है BTech वालों के लिए है, तो अगर आपने BTech किया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की, जिसमें उपाचार्य की अधीक्षक औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के अंदर 45 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 17 एंड SC की 5 एंड जो ST के लिए 1 एंड जो OBC के लिए 7 पदों पे वैकेंसी निकली है। एंड इसी के साथ ही जो अनुदेशक की पोस्ट है सहायक शिक्षुता सलाहकार की 34 पोस्ट है। एंड इसके लिए जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए सेकेंड क्लास डिग्री इन, अगर आपके पास BTech के अंदर आप BTech कर रखा आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इकोनॉमिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर इनमें आपने डिग्री कर रखी है और आपको साथ ही में 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट, जिस अभ्यर्थी विषय सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल IT CS ECE से परीक्षा देना चाहता है उसे ऐच्छिक विषय का चयन पदक्रम के रूप में करें, तो आपने जिसके अंदर डिग्री की है उसी के अनुसार आपको वो चयन करना होगा। एंड आप देख सकते हैं अकेडमिक, तो ये डिटेल्स इसमें BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज ऑप्शन सब्जेक्ट अंडर ओल्ड स्कीम फॉर सेंट्रल स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन, और या फिर आपके पास जो 12th पास होना चाहिए। एंड जो टेक्निकल में है तो आपके पास 3 या 2 डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी
तो ये भी हो सकता है, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखे हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके साथ में एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, जो आपके पास, जो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके पास 5 डिप्लोमा के डिप्लोमा कर रखा है एंड उसके बाद डिग्री कर रखी है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो जो आपने आईटीआई कर रही है और उसी के साथ ही जो फिर उसके बाद डिप्लोमा फिर डिग्री की है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसकी वैकेंसी है। एंड जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है, जल्दी ऑनलाइन फॉर्म संबंधित जानकारी हम बता देते हैं। एंड जो चयन प्रक्रिया है, साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। एंड जो अगर इसमें जो विज्ञापन की संख्या ज़्यादा होगी तो इसकी ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट तो करवाए जा लास्ट सकते टाइम हैं। हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो जो दिनांक राजस्थान नहीं का आज राज्य खेल थी कौन सा है, तो 26/4/2018 से जवाब पंद्रह दिया था, पाँच तो उसका राइट आंसर 2018 है रात के 12 बजे तक। एंड जो इसकी इसके देखते हैं आवेदन प्रक्रिया है, दिया था आईडी के सबसे पहले हमारे राजभाई हैं, उन्होंने सही आंसर दिया था, तो धन्यवाद संशोधन भी करवा सकते हैं। 16 मई सवाल दिया था 22 मई इंदर कंवर जी ने, उनका भी आंसर सही है, डी आई है आरपीएससी के बाद आंसर दिया था लाला राम मीणा जी ने, तो उनका भी आंसर सही है, वीडियो के अंदर कंप्लीट कर बाद दिया था मोहनलाल जी ने, जो इनका भी आंसर सही है बास्केटबॉल। ये जो मनीष जी की है, जो हमारे सबसे स्पेशल तो सब्सक्राइबर है, इनका जवाब भी ग्रेड सही है, की तो इसके अंदर इन्होंने भी सही जवाब दिया, मनीष जी शर्मा ने। एंड उसके बाद आता है हेमंत सिंह, जो इसकी चंपावत, लिंक है हमारी, इनका कोई और क्वेश्चन था तो मिल ये जाएगी, इसमें नहीं ऐड नहीं होगा। एंड जो फिर राज सिंह डाउनलोड हो जी जाता ने है हमारे पास, भी सही जवाब दिया है बास्केटबॉल। एंड आप देख जो सकते हैं उगम राजस्थान लोक तिरोहित सेवा जी सर आयोग हैं, में उन्होंने भी जो सही जवाब दिया है डी ग्रुप ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर। एंड भर्ती उसके बाद है ये, रोहित सिंह तो है, इसमें जो रोहित सिंह ने भी सही जवाब दिया है वैकेंसी डी है, जो बास्केटबॉल आंसर। एंड जो 45 गिरिराज पदों के लिए मुंडा है, निकली उनका है, भी सही जवाब है जो बास्केटबॉल। औद्योगिक प्रशिक्षण थैंक्स आप व्यवस्था सभी है को वो कमेंट प्राचार्य करने के लिए। अधीक्षक की। एंड जो एंड जो रोहित राज समूह जी, अनुदेशक की है रोहित राज उसकी भी 34 राछोया, पोस्ट है, तो एंड उनका इसके भी सही लिए आंसर भी है डी बास्केटबॉल। एंड जो देवांशु मेहता है, उनका भी वैकेंसी राइट ही, आंसर वो है जो डी बास्केटबॉल। वैकेंसी एंड जो है मूलचंद आईटीआई, यादव है, जो उनका भी प्रिंसिपल राइट है उसी की आंसर तरह नहीं ही है, है, सॉरी, वैकेंसी सेम तो ही है मूलचंद इसका जो सिलेबस सिलेबस ने है जवाब दिया था, वही हॉकी है, तो जो फिर डिग्री सीए है सिविल हॉकी मैकेनिक खेले, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का है, इंडिया का आईटी राष्ट्रीय सीएस, खेल है, अगर आपने एंड जो बीटेक किया राजस्थान है बास्केटबॉल बास्केटबॉल है आपको, तो फ्रेंड्स इसके मूलचंद अंदर यादव जी आपको भी वन ईयर धन्यवाद कमेंट करने के लिए। प्रोफेशनल एंड जो एक्सपीरियंस होना मनोज चाहिए, गुजर सर है, अगर उनका आपने डिप्लोमा डिप्लोमा के के साथ साथ डिग्री कर रखी है बास्केटबॉल। तो इसके लिए अप्लाई एंड कर फिर सकते उसके हैं। जो बाद राजेंद्र जी आईटी यादव के ने साथ भी भी अपने इसमें जवाब जवाब दिया दिया है है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल डी डी ऑप्शन ऑप्शन कर सकते हो। एंड उसके जो बाद आईटी के जो साथ आप टोटल दिया है, सात साल सुरेंद्र की कुमार होनी चाहिए वामनिया ने डिग्री, एंड जो डी डिप्लोमा ऑप्शन, के साथ 5 साल लेफ्ट की राइट डिग्री आंसर होनी होनी चाहिए। चाहिए। एंड जो मधु, एंड जो इसके मित्रावल हैं, उनका भी ऑनलाइन राइट फॉर्म आंसर है है डी बास्केटबॉल। एंड जो इसके भी, अंजू जो सैनी चयन हैं, इनका भी प्रक्रिया है राइट साक्षात्कार आंसर है उसके सी, माध्यम से किया जाएगा, सॉरी एंड पदों की संख्या ज़्यादा होती तो इनका सी एग्जाम एग्जाम दिया दिया जाएगा। जाएगा। एंड गलत जो है, आवेदन सी तिथि नहीं है है इसकी मैडम, 26 अप्रैल आंसर होगा इसका डी, 26 अप्रैल 2018 जो से 15 मई 2018 लखनऊ तक इसके लिए अप्लाई कर उन्होंने भी सकते हैं। सही जो आंसर दिया है आवेदन करने बास्केटबॉल। की एंड प्रोसेस जो है, नवीन सेव दाठी एस है, एस डी आई डी एन के के थ्रू थ्रू आप आप अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं। हैं, जैसे ऑपरेट सॉन्ग है, आपको भी धन्यवाद, तो ये आपका आंसर वैकेंसी सही है। है। एंड इसी के जो साथ ही राकेश जो कुमार है, सेम उनका भी वैकेंसी राइट है, आंसर है तो ये बास्केटबॉल। वैकेंसी इस तो आप बार सभी बीटेक को वालों के धन्यवाद लिए फ्रेंड्स निकाली है कमेंट राइट करने के करने के लिए। लिए। एंड जिनमें से विनर है, इनका भी नाम हम बता देंगे। तो इनमें से जो फ्रेंड्स विनर ये बना है, वो जो नेक्स्ट वैकेंसी तो है, उनका ये नाम है, एडवर्टाइजमेंट ग्रेड तो सेकंड, फ्रेंड्स जो चलिए ये देखते हैं टीएसपी कौन के लिए बनता है इस थी, वीडियो, एंड इस जो ये आंसर का टीएसपी विनर। के लिए है, तो वो जो जिसका सेम विनर वैकेंसी है, है, तो तो फ्रेंड्स इंदर कंवर जी, इस इन्होंने प्रकार सरकार जो जो पहले नहीं, सेकंड टाइम ये इनका हुआ असिस्टेंट था, की है, तो इनका अप्रेंटिस असिस्टेंट जिसके की वैकेंसी, क्वेश्चन का तो जिनका जिनका देखते घोषित हैं किया क्या जाता है। है टोटल धन्यवाद पोस्ट एंड फ्रेंड्स। जो क्या क्वालिफिकेशन है इसका, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाता है नोटिफिकेशन, तो आप देख सकते हैं समूह अनुदेशक भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो इसकी जो वैकेंसी है, टोटल 2 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो थी, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो इसमें ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसके लिए आपको जो 12th क्लास है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए। अगर आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 12th पास किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो सेकेंडरी अंडर 10+2 स्कीम है, जो अगर 12वीं पास हो एंड साथ में आपके पास होना चाहिए 3 या 2 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और साथ ही में आपके पास जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास जो एनटीसी सर्टिफिकेट यानी आईटी कंसर्न टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच, या फिर आपके पास होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन ट्रेड कंसर्न टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच। एंड इसी के साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस इन द ट्रेड कंसर्न इन इंडस्ट्री एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन ए टेक्निकल पोस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूशन आफ्टर एक्यूरिंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 5 ईयर्स, एंड जो आईटीआई वालों के इनके लिए 7 ईयर्स। तो
इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको ज्ञान होना चाहिए देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर का। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो आप इसको जो वेबसाइट के ऊपर जाके आराम से देख सकते हैं। एंड जिसका आवेदन करने की तिथि है 26/4/2018 से 15/5/2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, जो बीटेक वाले हैं उनके लिए, एंड जो एसआई की पोस्ट है तो उसमें जो ग्रेजुएशन रहेगी एसआई पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन, एंड जो पोस्टों की संख्या हमने वीडियो में बता दी है। एंड तो ये वैकेंसी निकली है आप सभी के लिए, बीटेक वालों के लिए, पॉलिटेक्निक एंड जो आईटीआई वाले उन सभी के लिए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा एंड अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कोई भी जवाब या सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। एंड फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।